आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इसके मेंबर्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम जो कि आपका रेडियो एक्टिव है, और ल्यूमोरियम। ठीक है, इनके सिंबल आपको पता ही हैं। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, सल्फर को S से, सेलेनियम को SE से, टेलुरियम को TE से, पोलोनियम को PO से, और जो आपका ल्यूमोरियम है उसका जो सिंबल है IUPAC सिंबल वो है UUH। इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका एक नाम और है कैल्केजंस। कैल्केजंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, ओर फॉर्मिंग। तो यहाँ पर एक वर्ड आया ओर। ओर का मतलब होता है कि वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जिनसे हम किन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को, उन्हें हम बोलते हैं ओर। तो जो ये ओर पाए जाते हैं ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके कारण जो अधिकतर मेटल्स हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाई जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हुए पाई जाती हैं। ठीक है, या फिर कोई इसी फैमिली का मेंबर दूसरा, जैसे सल्फर है आपका, ठीक है, या फिर कोई और मेंबर सेलेनियम, टेलुरियम, मतलब अब आपका अगर आपके पास कोई किसी मेटल का ओर है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस ग्रुप का कोई ना कोई मेंबर उस मेटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कैल्केजंस। इसके बाद आती हैं कि अकरेंस, कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस रूप में पाई जाती हैं। जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। अबंडेंट एलिमेंट का मतलब वो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर, अर्थ पर। जो ऑक्सीजन है वो जो अर्थ क्रस्ट के टोटल भाग का 46.6% बनाती है, और जो आपकी एयर है आपको पता है उसमें भी लगभग 21% क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दूसरे एलिमेंट भी पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो है बहुत कम। जैसे कि सल्फ़र, सल्फ़र केवल कितना पाया जाता है, 0.03 से 0.1%। और जो आपका सल्फ़र है वो सल्फ़ेट के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका जिप्सम, ठीक है, ये आपने 10th में पढ़ रखा है। जिप्सम का फॉर्मूला है आपका CaSO4 × 2H2O। ठीक है, उस तरह से इप्सम साल्ट, ठीक है, ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, अपनी कॉपी में आप लिख लें। इप्सम साल्ट है आपका हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 × 7H2O। उसी तरह से बेरीट, इसका फॉर्मूला है आपका BaSO4। उसी तरह से जो सल्फ़र है वो सल्फाइड की फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे कि आपका गैलेना, ठीक है, PbS, ये ओर है लेड का। ठीक है, देखिए इसमें सल्फर प्रेजेंट है। जिंक ब्लेंडे, ठीक है, फॉर्मूला है ZnS, ये ओर है आपका किसका, जिंक का। कॉपर पाइराइट, ठीक है, ये आपका आयरन का ओर है, ठीक है, CuFeS2, इसमें भी क्या पाया जाता है आपका, सल्फ़र। उसी तरह से जो वोल्केनोज हैं, वोल्केनोज होते हैं आपके ज्वालामुखी, उसमें से भी जब बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ठीक है, उसमें से जो एक मेन गैस है वो है आपकी सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो जब वोल्केनोज फटते हैं तो वहाँ पर भी जो गैसें निकलती हैं उसमें भी क्या पाया जाता है आपका, सल्फर। ठीक है, उसी तरह से जो आपका सेलेनियम और टेलुरियम है वो भी आपका सेलेनाइड और टेलुराइड की फॉर्म में पाया जाता है, किसमें, आपके सल्फाइड ओर में। जो पोलोनियम है वो बनता है आपका थोरियम से या फिर यूरेनियम से। ठीक है, थोरियम और यूरेनियम से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, जिससे वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाती है। जो आपका ल्यूमोरियम है वो एक आपका एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो आपका LV है। ठीक है,
वैसे जो IUPAC सिंबल है इसका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था UUH, वो IUPAC सिंबल है, आप इसको देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में। तो ये थे इनकी अकरेंस। अब बात करते हैं हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो हमने ये सभी प्रॉपर्टीज़ एक एक करके डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आप एटॉमिक नंबर पर आ जाइए, ठीक है। ऑक्सीजन का आप सभी को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। इसमें 8 ऐड करो तो नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। इसमें आप फिर ऐड करो 18, ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा आपका किसका, सेलेनियम का, कितना, 34। इसके बाद फिर इसमें 18 ऐड करो तो टेरुलियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, कितना, 52। और इसमें आप अगर 32 ऐड करोगे तो किसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा आपका, पोलोनियम का, ठीक है। तो ये 8, 18, 18, 32, इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स, ठीक है, क्योंकि इतने डिफरेंस के बाद, 8, 18, 18, 32 डिफरेंसेस के बाद जो आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की, वो क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। इसके बाद हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो सबसे पहली जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आती है वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी को पता है कि जो 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो देखिए 2 और 6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सल्फ़र की, सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो है 16, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 6, ठीक है। तो आप देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 6। अगर मैं बात करूं सेलेनियम की, ठीक है, सेलेनियम का कितना है, 34। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2, 8, 18 और 6। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो एक तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ये किसी भी फैमिली का आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP4। कहने का मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ पर देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो उसी तरह से S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और P में कितने हैं, 4। अगर मैं सेलेनियम की बात करूँ तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 4p4। तो अगर मैं जनरल कर दूं इस बात को तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपका NH2NP4। नेक्स्ट जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है आपकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो आप सभी को पता है जब भी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, बढ़ती हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में केवल 2 शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद अगर मैं सल्फर पे आऊँगा, सल्फर में 3 शेल्स हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6। तो उसके बाद अगर मैं सेलेनियम पे जाऊँगा तो वहाँ पर 4 शेल्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद टेरुलियम पे जाऊँगा, वहाँ पर 5 शेल्स हो जाएंगे। तो शेल्स बढ़ती रहेंगी, और सेल्स बढ़ती रहेंगी तो एटॉमिक और जो आयनिक रेडियाई है वो भी क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द साइज ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज हाउ एवर एक्सेप्शनली स्मॉल। जो ऑक्सीजन है
उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा ही छोटा है। यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन की अगर मैं कोवलेंट रेडियस की बात करूँ तो देखिए कितनी है, 66 पिकोमीटर, और जो सल्फ़र है उसकी कितनी है, 104 पिकोमीटर। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो आपका इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आता है लास्ट में, जो 2p शेल आता है, ठीक है, 2p सब शेल आता है, उसका साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है। ठीक है, और जो सल्फ़र है, सल्फ़र में क्या आता है, 3p का साइज़ कैसा है, लार्ज। ठीक है, एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जो ऑक्सीजन है उसमें जो रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो लेस होती है। ठीक है, और जो सल्फ़र है, सल्फ़र में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसके कारण साइज़ क्या हो जाता है, एकदम ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप सभी को पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज़ पर। ठीक है, जितना छोटा साइज होगा, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्योंकि अगर साइज छोटा होगा तो जो न्यूक्लियस है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़ बढ़ जाता है। द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप ऑफ 15th एलिमेंट। ये आपने बात ध्यान रखनी है कि जो 15th ग्रुप एलिमेंट है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उनका जो कॉन्फिग्रेशन है ना वो स्टेबल है। देखिए, स्टेबल हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स ऑफ कौन सी फैमिली, 15th फैमिली। अगर मैं ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से बताइए किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो आपने बतानी है किसकी, नाइट्रोजन की। इसका रीज़न बताता हूँ आपको, क्या रीज़न है इसका, देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ज़रा, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, ऑक्सीजन का लिखिए 1s2 2s2 और 2p4। यहाँ पर 2p3 है नाइट्रोजन के केस में, और ऑक्सीजन के केस में क्या है, 2p4 है। तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल। ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होगा, मुश्किल होगा। तो जो आपके 15th फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। किससे, 16th ग्रुप से। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो रिलीज़ होती है जब आपका एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनायन। तो जितना छोटा साइज़ होगा, ये बात ध्यान रखना है, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। हाउएवर फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड, सल्फर से जब आगे जाएंगे, द वैल्यू अगेन बिकम लेस नेगेटिव अप टू पोलोनियम। देखिए, जितनी ज़्यादा लेस नेगेटिव होएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो जो पोलोनियम है उसकी बहुत कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैसी है, कम है। ये ध्यान रखना, जितना बड़ा साइज़ उतनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। ठीक है,
और जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, उतनी ही कम क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस हिसाब से तो किसकी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ऑक्सीजन की, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब बहुत छोटा है। ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही छोटे स्पेस में हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, किसी भी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम में ऐड नहीं होने देते, वो क्या करते हैं उसको रिपेल करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जिस टेंडेंसी से आना चाहिए उस टेंडेंसी से नहीं आ पाता। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है। उससे नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी डिपेंड करती है साइज़ पे। जितना छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसका साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है। ये दूसरा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसको, किसके बाद? फ्लोरीन के बाद, ठीक है। तो जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि जो मेटलिक करैक्टर है वो इंक्रीज करता है जब आप ऑक्सीजन से पोलोनियम पे जाते हो, क्योंकि ऑक्सीजन से जब आप पोलोनियम पे जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन करते हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं। क्वेश्चन है इसके बाद, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू 15th। ये पूछ रहे हैं कि जो 16th ग्रुप है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 15th वालों से कम क्यों है। तो अभी हमने रीज़न करा था क्योंकि जो 14th ग्रुप है उसके पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जिससे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा है, मुश्किल है।